हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बंगाल की खास डेलिकेसी लेके आया हूँ, जो कि है संदेश। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टेस्टी डिशेस मैं आप तक पहुँचा सकूँ। पहले 1 लीटर दूध को फाड़ के मैंने छेना बना लिया, फिर उसी छेना को मिक्सर में डाल के हम उससे स्मूथ बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि छेना की टेक्सचर में थोड़ी सी स्मूथनेस आई हुई है। नेक्स्ट हम इसमें 3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप डालेंगे, उसके बाद 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे और फिर से मिक्सर चला लेंगे। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसे ही थिक होना चाहिए, तो दूध डालते वक्त ध्यान रखिए कि मिक्सचर ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और फिर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद वापस मिक्सी चला लेंगे। अभी मिक्सचर को हम एक ग्लास एल्यूमिनियम या स्टील कंटेनर में डाल लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। फिर एक लेडल लेके हम सरफेस को सेट कर देंगे। अभी एक कढ़ाई में एक स्टैंड को सेट करेंगे और फिर पानी ऐड कर देंगे। फिर ढक्कन डाल के पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी जब बॉईल होके स्टीम आने लगे, तब हम मिक्सचर वाले कंटेनर को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और 30 मिनट के लिए मिक्सचर को स्टीम होने देंगे। नेक्स्ट हम थोड़े से काजू को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और फिर उसे रफली चॉप कर लेंगे, यह गार्निशिंग के वक्त काम आएगा। 30 मिनट बाद हमारा मिक्सचर सेट हो चुका है। कंफर्म करने के लिए हम एक चाकू या फोक से चेक कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मिक्सर ठंडा होने पे उसे चिलर में डाल के और 30 मिनट के लिए सेट होने देंगे। 30 मिनट चिलर में सेट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। एक लेडल से हम साइड को स्क्रैप कर लेंगे, फिर नाइफ से पीसेस को कट कर लेंगे। उसके बाद पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके सारे मिठाई को निकाल लेंगे और फिर उसे मनपसंद शेप से कट कर लेंगे। अब रोस्टेड काजू को ऊपर से डाल के गार्निश करेंगे। अभी एक स्ट्रेनर में शुगर पाउडर लेके मिठाई के ऊपर छिड़क देंगे, इससे मिठाई बहुत ही सुंदर दिखेगा। फाइनली एक चॉकलेट बार लेके मिठाई के ऊपर ग्रेट कर देंगे। अब देख सकते हो संदेश कितना लाजवाब दिख रहा है। अगर दिखने में ऐसा हो तो खाने में कैसा होगा? ट्राई करिए और बताइए मुझे कमेंट्स में। कैसे लगे वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो दीपंस डेलिकेसी में।